देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है अगले सोमवार तक यानी 17 मई तक। लॉकडाउन में तमाम पाबंदियां रहेंगी और इस बार पाबंदी सख्त रहने वाली है। कल से मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में, सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरी वश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।